नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच आए हैं आपके सर पे बालों में लगाने वाले तेल की जो आपकी तलाश होती है, हेयर ऑयल की जो आपकी तलाश होती है, उसको विराम देने के लिए, अगर आप हमारा सुझाव मानते हैं। तो हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन एंटी एजिंग हेयर ऑयल जो आपके बालों को लंबा भी करेगा, बालों को झड़ने से भी रोकेगा, बालों को काला भी रखेगा, बालों की रिपेयरिंग भी करेगा और असमय सफ़ेद नहीं होने देगा। बहुत ही अचूक तेल है ये और बहुत ही कम पैसे में तैयार होने वाला हेयर ऑयल है और इसका बहुत महत्व है साथियों। यह जो हेयर ऑयल है, ये इसमें जो औषधियाँ आपको हम बताने वाले जो आपके घर पे मौजूद हैं, वो 3000 BC में हिप्पोक्रेटिस ने इस्तेमाल करी थी दवा के रूप में। जी हाँ, चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल जो आपकी उम्र के साथ आपके बालों का जो डेटोरिएशन होता है, बाल जो खराब होने की स्थिति आती है, उसको यथावत, बालों को बेहतर करने की यथावत स्थिति को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। और बहुत आसान नुस्खा है साथियों ये, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसके लिए आपको लेना है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल साथियों, आपको 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लेना है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे क्यों लेना है, लेकिन आपको 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लेना है करीब। उसको आपको एक लोहे की कढ़ाई में फ्लेम पे रख देना है। उसमें एक चम्मच आपको कलौंजी, एक बड़ा चम्मच कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स यानी कि रोमन सीड्स, वह आपको डाल लेने हैं। आपको आराम से बाजार में मिल जाएगी, एक चम्मच आपको डाल लेनी है। साथ में आपको एक चम्मच मेथी डाल लेनी है और इस पूरे उसको आपको जो मस्टर्ड ऑयल में आपकी मेथी और कलौंजी पड़ी है, ब्लैक सीड्स पड़े हैं, उसको आपको 5 मिनट फ्लेम पे रख देना है। इतना रखिएगा कि तेल आग ना पकड़े। उसके बाद आपको इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होते होते तक आपको छोड़ देना है। तेल ठंडा होने में आपको 1 घंटा लगेगा करीब। कढ़ाई पहले धीरे धीरे जब ठंडी होगी तब आपका ऑयल भी ठंडा होगा। उसी बीच जो आयरन है वह आपके ऑयल में उस आयरन की कढ़ाई से ट्रांसफ़र हो चुका होगा। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी क्लॉथ से छान लेना है और छानने के बाद आपको इसको स्टोर कर लेना है। इसको आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये साथियों बहुत अद्भुत हेयर ऑयल है। यह आपके जो महंगे महंगे हेयर ऑयल हैं उनकी तलाश को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन मस्टर्ड ऑयल और कलौंजी और मेथी से बहुत कुछ होता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ साथियों क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जो अपना मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है। यह जो है वह आपके बालों को लंबा करता है, हाइड्रेट करता है। जब बाल हाइड्रेट होते हैं तो बेहतर क्वालिटी होती है। मस्टर्ड ऑयल में आपको बीटा कैरोटीन पाया जाता है, सिलीनियम पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। यह आपके बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं, बालों को लंबा करने में मदद करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में साथियों एरुकिक एसिड और अल्फा लाइनोलिलिक एसिड पाया जाता है। यह आपके बालों को डैंड्रफ से और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण होता है। मस्टर्ड ऑयल में साथियों मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी पुफा पाए जाते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। 59% पुफा यानी पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, 29% मुफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और बाकी जो है करीब 10% इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो यह आपके बालों को, साथ में मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ई होता है, विटामिन ई आपके बालों को रिपेयरिंग का काम करता है, आपके बालों को बेहतर करता है। दूसरा कंपोनेंट जो साथियों हमने इस तेल में प्रयोग करा है वह है कलौंजी। कलौंजी और साथियों बहुत ही अद्भुत एक हम लोग के परिवार में पाया जाने वाला, घर में पाया जाने वाला एक जो है वो हर्ब है।
जिसको हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, इसको ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और इसको रोमन कोरिएंडर भी कहते हैं। कलौंजी में साथियों थाइमोक्विनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटीहिस्टामिन होता है। एंटीहिस्टामिन होने के कारण यह आपके बालों में कोई भी एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन से जो हेयर फॉल होता है स्कैल्प में उसको रोकने में बहुत मदद करता है। साथ में इसमें पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड पाया जाता है जो आपके बालों को बेहतर करने में मदद करता है। तीसरा कॉम्पोनेंट जो हमने इसमें यूज़ करा एंटी एजिंग हेयर ऑयल में वह है मेथी। मेथी यानी फेनुग्रीक, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी जो है उसमें लेसाइथिनिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। लेसाइथिनिन आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके बाल बहुत बेहतर होंगे। तो यह तीन कंपोनेंट हैं साथियों, पहला मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, दूसरा कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स यानी कि रोमन कोरिएंडर, और तीसरा मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। यह आप इस प्रिपरेशन को बना लें, इस प्रिपरेशन को आप रखें, इस प्रिपरेशन को आप रोज़ इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ये चिपचिपाएगा ज़रूर, लेकिन यह आप किसकी जो कीमत होगी आपके बालों को अच्छा करने में वह सहायक होगी। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो के साथ आपकी एक बेहतरीन हेयर ऑयल की तलाश खत्म हो चुकी होगी। आप इसको इस्तेमाल करिएगा, हमको बताइएगा आपको इससे एक महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर फ़ायदा मिला नहीं मिला। कोई मन में क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिए। आपका हमेशा की तरह हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you.